Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. तो रात हो गई है and I am preparing my dinner. So मेरा राइस देखो एकदम से तैयार होने वाला है almost and I am thinking of making egg fried rice. I'll be mixing it with the rice. तो I'll show you how do I make it. तो ये already veggies मैंने काट के रख दी हैं. ये egg मैंने डाल दिया इसमें जीरा हल्दी और डाला मैंने इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. आई एम गोइंग टू मिक्स इट नाउ. अब हमारे किचन में बहुत सारा सामान भर गया है. अब हमारी किचन एकदम कंप्लीट हो गई. बर्तन भी आ गए हैं. मेरी रूम में के बहुत सारे बर्तन थे तो वो हमने रख दिए. अब हमारी इनकम्प्लीट रह रही है. और देखो अब हमारे पास कढ़ाई भी आ गई है तो हमें फ्राई पैन में बनाने की ज़रूरत नहीं है. चावल देख रही हूँ अभी नहीं पके. पानी काफ़ी रह गया तो थोड़ी देर और पकने देती हूँ उनको. ये डाला मैंने इसमें तेल. आई थिंक इट्स इनफ वेजेस के हिसाब से. ऑयल एकदम तैयार है और हम भी एकदम तैयार है एग भुर्जी बनाने के लिए. मेरे को थोड़ा सा वो आ रहा है मैं बताती हूँ. वो मेरी फ्लैटमेट ना बाहर ही बैठी हुई थी तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ अपने एक्सप्रेस करने के लिए. अगर मैं अकेली हूँ तो बहुत सारी बातें कर पाती हूँ अदरवाइज नहीं कर पाती. उसी वजह से थोड़ा सा आप देखोगे मेरे अंदर थोड़ी शायनेस है. आई एम बिट कॉन्शियस बट स्टिल आई मेड दिस व्लॉग. एनीवे जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें डाल दिया मसाला डाल दिया मैंने इसमें और सब्जी वगैरह डाल दी. आपने ऑलरेडी देख चुके हो तो इसको थोड़ी देर भूनने दे रही हूँ मैं. सब्जी के साथ साथ हरी मिर्च भी डली हुई थी कटी हुई थी ऑलरेडी तो वो डालना मत भूलना टेस्ट के लिए. तो ये डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर. जीरा साबुत था इसलिए मैंने पहले भुना. धनिया पाउडर बाद में डाल रही हूँ. मैं इसमें ज़्यादा हल्दी नहीं डाल रही क्योंकि मुझे ऑमलेट में ना वो कलर पसंद नहीं है. ज़्यादा येलो वाला कलर पसंद है. आई लाइक टू कीप इट वाइटिश. जब तक ये भुन जाता है आई एम गोइंग टू गेट इट अ बिट क्रिस्पी. उसके बाद आई विल पुट द एग्स इन इट. वही हो रहा है जब तक खुशबू आने लग जाती है ना खाने की प्याज भुने हुए प्याज की तो तब खाना बहुत टेस्टी बनता है. राइस आई थिंक हो गए ऑलमोस्ट. राइस को कुकर में भी बना सकते हैं पर पता क्या होता है कुकर में ना ढंग से मतलब बहुत पक जाता है. फिर मुझे वो उस वैसा वाला चावल पसंद नहीं है. राइस को अगर आप कढ़ाई में बनाओ ना खुले में तो इट गेट्स इनफ टाइम एंड इनफ एनवायरनमेंट कि अच्छे से बुरबुरा टाइप बने. बुरबुरा इज़ द वर्ड आई गेस फॉर दैट. तो ये ऑलमोस्ट हो गए हैं. ये तैयार है एग डलने के लिए. हमारी सब्जी तैयार है. हमारा तड़का तैयार है. ये होता है जब आपको वीडियो भी बनानी होती है और आपको खाना भी बनाना होता है. दोनों चीज़ें मैनेज करना इज डिफिकल्ट. सो आई एम डूइंग सच अ हार्ड वर्क. यू गाइस शुड एक्नॉलेज व्हाट आई एम डूइंग. शुडंट यू टेल मी. तो मैंने एग्स डाल दिए इसमें. तो ये करना है हमें अच्छे से मिक्स ताकि ये सब मसाला अच्छे से मिक्स हो. एंड आई वॉन्ट अ भुर्जी काइंड ऑफ इट. अगर मुझे नॉर्मली बनाना हो तो सिर्फ ऑमलेट तो उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती बट मुझे भुर्जी चाहिए तो इट शुड बी प्रॉपरली मिक्स्ड. ये इतना हो गया है. इसमें मैं अब राइस एकदम से मैंने सोचा कि इसी पे मिक्स करती हूँ. पहले आई वॉज थिंकिंग कि प्लेट में अलग से निकालूंगी बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू पुट इट ऑल टुगेदर इन इट. तो ये निकाला मैंने फ्रेश और पका हुआ राइस ऑमलेट में जो पूरी तरह से अभी पका नहीं है. वो मिक्स करूँगी तब अच्छे से पकने दूँगी इसको इसके बाद. ओके गाइस तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको एग्जैक्टली ऐसे करना है. ओके इसको अच्छे से मिक्स करना है. जब तक ये मिक्स नहीं होता सो यू हैव टू वर्क. मैं उतना ही डाल रही हूँ जितना आई थिंक मैं खा पाऊँगी अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा. ये चावल बच जाएगा. आई विल ईट इट इन द मॉर्निंग. तो हमारा एग फ्राइड राइस हो गया है एकदम तैयार. मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया. इसको थोड़ा गार्निशिंग की हरे धनिए के साथ. दिखने में ही बेहद खूबसूरत लग रहा है. तो ये बिल्कुल तैयार है. तो आई
आपको भी अगर बनानी हुई कोई इंस्टेंट डिश एंड यू आर हंग्री, यू आर नॉट इन अ मूड टू कुक समथिंग वेरी हैवी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो यू कैन डू इट एट योर होम. एंड द गाइज हु आर लर्निंग टू कुक, दे शुड इंक्लूड दिस इन देयर डाइट. अब मैं बातें करते करते मैं खा रही हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज सो यमी. ये लो एक बाइट, आप भी खाओ. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको अच्छी लगी. अगर आपने सीखी, आप घर पे बनाओगे तब भी बताना, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.